नमस्कार, नंबर सिस्टम की इस ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम के इस सेशन में अब तक हमने विभिन्न नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देख चुके हैं, जैसा कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। आज के इस सेशन में हम एक ऑक्टल नंबर है उसको कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे वो जानेंगे। तो आज के इस ई लर्निंग सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आपको पिछले सेशन हम जान चुके हैं कि हम डेसिमल नंबर को एक ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल नंबर का जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है 10, और ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, सॉरी मैं रिवाइंड कराना चाहूंगा, जो डेसिमल नंबर है उसका बेस होता है 10 और ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। तो पिछले सेशन में हमने जाना था कि डेसिमल एक नंबर दिया हुआ उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ऑक्टल नंबर दिया हुआ है उसकी हर बिट को मल्टीप्लाई करना है उसकी प्लेस वैल्यू से, और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 8 की पावर n। उससे पहले हमने देखा था कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया था, तो सेम प्रोसेस यहां पर है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि बाइनरी का बेस था 2, तो वहां पर हमने वहां से मल्टीप्लाई किया था 2 की पावर n से, और यहां पर ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर ऑक्टल का बेस है 8, तो यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 8 की पावर n। और जब रिजल्ट मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे और वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम एग्जांपल से देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर आपको एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 65 एक ऑक्टल नंबर है, वैलिड ऑक्टल नंबर है। इसको किस पे कन्वर्ट करना है आपको, एक डेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले हमने 6 और 5 इनको 2 ऐसे डिवाइड कर दिया, फिर राइट साइड से स्टार्ट होके लेफ्ट तक हम पोजीशन देते हैं। पोजीशन कैसे देते हैं, 0 और 1, जो सबसे राइट में होता है उसको 0, और फिर आगे हम लेफ्ट की तरफ से भरते जाते हैं, देन 1 2 3 4 इस तरह से पोजीशन देते हैं। और एन यहां पर पोजीशन है, ठीक है, तो यहां पर पोजीशन क्या होगी, 0, तो इसकी पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 8 की पावर n, मींस 8 की पावर 0, और यहां पर क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1। अब हर उस पर्टिकुलर बिट को उस की प्लेस वैल्यू से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 into 8, और यहां पर हो जाएगा 5 into 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 कितना हो गया, 1, तो यहां पर हो गया 8 into 6 48, 5 into 1 5, इन दोनों को एड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 53। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एक नया नंबर दिया हुआ है 2456, 2456, 2456, एक ये ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, पहले आप चेक करेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है या नहीं। उससे पहले भी एक और बार मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि ये कैसे पता चलेगा कि ऑक्टल नंबर में ही है, क्योंकि इसका बेस यहां पर आप देखिए, यहां पर जो सबस्क्रिप्ट वैल्यू है वो कितना लिखा हुआ है, 8। तो 8 जो सबस्क्रिप्ट में जो लिखा होता है वो उस नंबर सिस्टम का बेस होता है। तो आप देख सकते हैं इसका 8 किसका बेस होता है, आपको 8 आपका बेस होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, ठीक है, और 10 किसका बेस होता है, डेसिमल का। तो इसका यह मतलब है कि जो ऑक्टल नंबर है इसको किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, डेसिमल में। तो अगेन दो जो इस नंबर है उसको अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया, तो 2456, फिर राइट साइड से लेके लेफ्ट की तरफ हर जो बिट है, हर जो वैल्यू है उसकी पोजीशन वैल्यू दे दी। तो पोजीशन वैल्यू, प्लेस वैल्यू कैसे दे देंगे, 8 की पावर n, और n क्या है, उसकी पोजीशन। पोजीशन हम कैसे देते हैं, जो राइट वाली वैल्यू है उसको 0, फिर 1 2 3, एन की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, तो प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3, करेक्ट। उसके बाद अब
उस वैल्यू को हमने उस पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 2 × 8 की पावर 3, 4 × 8 की पावर 2, 5 × 8 की पावर 1 और 6 × 8 की पावर 0, करेक्ट। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 × 8 की पावर 3 हो गया 512, 4 × 64, 5 × 8 एंड 6 × 1। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1024, ये हो गया 256, ये हो गया 8 × 5 = 40, ये हो गया 6। अब इनको हमने ऐड कर लिया सबको तो कितना आ गया 1326। तो इस तरह से हमने एक ये ऑक्टल नंबर था इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो अगेन मैं दोबारा प्रोसेस को रिमाइंड करा देता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू है उनको हमने डिवाइड कर दिया, अलग अलग फ्रैगमेंट में लिख दिया 2, 4, 5, 6, फिर उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी। तो प्लेस वैल्यू स्टार्ट करते हैं हम 8 की पावर n से, और n क्या होता है उस वैल्यू की पोजीशन, जो राइट से स्टार्ट होती है लेफ्ट तक जाती है, राइट वाली को सबसे जो राइट वाली होती है उसको हम 0 लिखते हैं, फिर 1, 2, 3 ऐसे करके। तो ये हो गया 8 की पावर 0, ये 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, फिर उस प्लेस वैल्यू को उस पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये मल्टीप्लीकेशन वैल्यू आ गया यहाँ पर, और उसके बाद जो मल्टीप्लीकेशन वैल्यू आएगी उनको हमने फाइनली ऐड कर देंगे तो ये फाइनल उसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हम समझने वाले वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है उसका बेस होता है 16 है, 16, और उसमें 0 से लेके F मीन 0 से लेके 9 और A B C D E F, A को बोलते हैं हम 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15। इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो यूजर एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव डिवीजन बाय 16। जैसे हमने डेसिमल को बाइनरी में किया था तो 2 से डिवाइड किया था, डेसिमल को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो 8 से डिवाइड किया। अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। क्यों? क्योंकि 16 हेक्साडेसिमल का बेस है, रेडिक्स है। फिर जो भी रिमाइंडर शेषफल आएगा उसको भागफल के राइट में लिखेंगे, और कब तक इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, जब तक भागफल क्वेश्चन 0 नहीं हो जाता। और फिर रिमाइंडर्स को शेषफल को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे और वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर होगा। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू इस प्रोसेस को समझते हैं। तो पहला नंबर लिया हमने 628, ये मेरा एक डेसिमल नंबर है और इसको किस पे कन्वर्ट करना है आपको, हेक्साडेसिमल में। तो 628 को डिवाइड करना है हमको 16 से। तो जब 628 में 16 का भाग देंगे तो कितनी बार गया वो, 39 बार, ठीक है, 39 बार गया। तो भागफल मेरा यहां पे लिख दिया मैंने 39, और शेषफल कितना रहेगा, 4, ठीक है। तो यहां पे मैंने यहां पे इसके साइड में शेषफल लिख दिया 4, फिर 39 में 16 का भाग दिया, ठीक है, 39 मैंने 16 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार, 16 × 2 = 32, तो 39 में से 32 गए तो भागफल कितना आ गया, 7। फिर 2 में 16 का भाग देंगे, नहीं दे सकते क्योंकि 2 16 से कम है, ठीक है, तो भागफल कितना आ गया, 0, और 2 का 2 ये मेरा शेषफल आ गया। अब जो भी मेरी शेषफल की वैल्यू आई है इसे हम नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे, जैसे हमने एरो से इंडिकेट किया है, तो क्या वैल्यू आ गया, 274। तो जो 628 है ये जो डेसिमल नंबर है इसका हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू आएगा, 274। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक नंबर दिया हुआ है डेसिमल में 1596, इसको इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखना है। तो 1596 को मैं 16 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 99 टाइम्स, 99 बार। तो देखेंगे शेषफल कितना बचा, 12, क्योंकि 99 बार जाएगा तो वैल्यू आएगा 1584, तो कितना शेषफल बचा, 12। और हेक्साडेसिमल में 12 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी। फिर 99 में हमने 16 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 6 बार, क्योंकि 16 6 की 96, 6 बार। तो शेषफल कितना है 99 से 96 के, तो 3,
तो यहाँ पे शेषफल आ गया 3, और फिर 6 में 16 का भाग दिया, ठीक है, 6 को हमने डिवाइड किया 16 से, तो डिवाइड कर सकते हैं नहीं क्योंकि 6 16 से कम है, तो शेष भागफल कितना आ गया 0, और 6 का 6 यहाँ पर शेषफल आ गया, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर इस जो भी रिमाइंडर है शेषफल उसको हमने नीचे से ऊपर के क्रम में लिख दिया है, तो 6 3 C, तो जो 1596 इसकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू कितनी होगी 63 C। तो इस प्रोसेस को हम दोबारा देख लेते हैं, एक नंबर दिया हुआ 1596, इसको हमने 16 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया 99 बार, भागफल कितना बचा 12, तो 12 को हेक्साडेसिमल में किससे लिखते हैं सी से, फिर 99 में हमने 16 का भाग दिया तो कितनी बार गया 6 बार, शेषफल कितना बचा 3, फिर 6 को डिवाइड किया 16 से 0, और शेषफल कितना आ गया 6, और इस शेषफल को हमने नीचे से ऊपर के क्रम में लिखा तो कितना आ गया 63 C। सो आई होप आपको ये आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसका रिवर्स देखेंगे, मीन्स एक हेक्साडेसिमल नंबर है उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जानेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।